Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends. दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई और ये क्वेश्चन एंड आंसर्स का हमारा पहला वीडियो है पार्ट वन जिसमें हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एक दो हम ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चंस हम देखेंगे, MCQs उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे, उन्हें इवेल्यूएट करेंगे कि वो आंसर तक हम कैसे पहुँचे हैं। मीन्स हम साथ में थोड़ा सा रिविजन भी करते जाएंगे कि क्या क्या सेक्शंस आए हैं और उनके आंसर्स तक हम कैसे पहुंचे हैं लॉजिकली। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सप्लाई पार्ट वन। सो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने से पहले एक बात को समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के ऊपर वाले हमारे क्वेश्चंस होंगे। सो टाइम ऑफ सप्लाई जो चैप्टर है उसमें मेनली दो सेक्शंस है, सेक्शन नंबर 12 है और सेक्शन नंबर 13 है। सेक्शन नंबर 12 बात करता है गुड्स के ऊपर और 13 बात करता है सर्विसेज के ऊपर। ये दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा फॉरवर्ड चार्ज के सिनेरियो में, रिवर्स चार्ज के सिनेरियो में, वो इन दोनों सेक्शंस में रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वो हमने उनके अलग अलग वीडियोस में देखा है, लॉजिकली उनको समझा है कि वो आंसर्स हमारे ऐसे क्यों हैं और उस पर उस डेट को क्यों लिया जाता है। अर्लीस्ट ऑफ ऑल हमेशा सब डेट्स के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है, चाहे रिवर्स चार्ज हो चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो, बट When we are in the section number 12 and section number 13, तो earliest of all चलता है। Section number 14 जो है, जो बात करता है change in effective rate of tax CERT, वो आपके level पर अभी नहीं है, वो final level पर आएगा। So अभी आपको 12 और 13 पर focus करना है। अब जो भी multiple choice questions आपको दिए जाएंगे वहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो भी options हैं उनको separately आप evaluate करें और सबसे पहले जो section number आपको question में दिया गया है आप उसको सबसे पहले पूरा रिकॉल करिए, तब आपको अच्छे से याद आएगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों है और गलती का कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, देखते हैं क्या बोल रहा है। सो डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट एज पर सेक्शन नंबर 12 ऑफ CGST एक्ट। इनका कहना है कि इस डेट के बारे में हमें बताना है, कौन सी डेट, जिस डेट पर सप्लायर पेमेंट रिसीव करता है वो डेट कौन सी होती है। अच्छा, मतलब कि इनका कहना है कि एक तो होता है इनवॉइस, एक होता है पेमेंट रिसीव डेट, ये है एब्रीवेशन जो हमने पूरे लेक्चर्स में जिस तरीके से समझा है। ये दो पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई तक पहुँचने के लिए, और एक तीसरा होता है एस से सप्लाई की डेट। सो इन तीनों में हम चूज़ करते हैं और अर्लीस्ट ऑफ ऑल लेते हैं। सभी सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है, बट जनरली जो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है गुड्स के केस में हम वहाँ पर यही लेते हैं। ओके, ये जो है पेमेंट रिसीव्ड, ये डेट कौन सी होती है क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। सो डेट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेट लिखी गई है वो डेट होती है क्या। डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, ओके, मतलब बैंक में जब पैसा आया है क्रेडिट हुआ है क्या वो डेट होती है क्या। डेट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, और डेट ऑफ क्रेडिट, ओके, इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ओहो, मतलब इन्होंने पहले तो इंडिविजुअली लिखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट होगी, बैंक में क्रेडिट होने की डेट रहेगी, या फिर इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो डेट होगी। चलिए लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। डेट ऑन विच रिसीट वाउचर इज इश्यूड बाय सप्लायर, रिसीट वाउचर कब दिया जाता है। जैसे कि आपने एडवांस दिया हो तो उन्होंने एक रिसीट बना के आपको दी, ओके 5000 रिसीव्ड, ये आपका वाउचर ले लो। इस तरीके से रिसीट वाउचर क्रिएट किए जाते हैं। तो जब हमको सामने वाली पार्टी से रिसीट वाउचर मिल जाएगा इसका मतलब है कि हमने पेमेंट कर दिया है। तो क्या ये डेट लेते हैं क्या हम, या फिर हमने जब पेमेंट किया है या फिर रिसीव किया है
इस वाले केस में अगर हम सप्लायर हैं तो हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हमारे बैंक में क्रेडिट की बात चल रही है। तो जब बुक्स में हमने एंट्री करी पेमेंट रिसीव फ्रॉम सो एंड सो पार्टी, इतना पैसा आपने बुक्स में क्रेडिट कर दिया, इतना पैसा, वो डेट लेंगे, या बैंक में जब असलियत में उसने NEFT करा, RTGS करा, IMPS करा, आपको पैसा ट्रांसफ़र किया, चेक लगाया, जिस डेट पर वो क्लियर होकर आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ, हम वो वाली डेट लेंगे। सो अर्लीस्ट ऑफ ऑल का फंडा तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम अर्लीस्ट ही लेते हैं। सो अगर आप लॉजिकली भी कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आपको इन दोनों ऑप्शन के साथ में ये ऑप्शन लेना चाहिए। वाई? बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेट लिखी हो और जो बैंक में जिस तारीख को पैसा आया हो उसमें से जो भी जल्दी हो रहा हो वो डेट हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज आर आंसर सी पॉइंट, ये बताता है दोनों में से विच एवर इज अर्लियर जो भी होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है। सो इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हमें पेमेंट रिसीव्ड की वो डेट लेनी है, देन वी विल यूज दैट डेट विथ इनवॉइस की डेट एंड डेट ऑफ सप्लाई एंड देन वी विल पुट इट टुगेदर, अर्लीस्ट वाला लेके हम हमारा टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लेंगे। सो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अब दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, आप इनमें अगर ध्यान देंगे इन क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली आपको पूछ रहे हैं कि क्या प्रोविज़न होना चाहिए, मतलब कि जो डायरेक्ट प्रोविज़न है सेक्शंस के अंदर, सेक्शन नंबर 12 में फॉरवर्ड चार्ज होगा, रिवर्स चार्ज होगा, फिर सेक्शन नंबर 13 में फॉरवर्ड चार्ज होगा, रिवर्स चार्ज होगा, तो इनमें जो डायरेक्टली फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में जो आपसे प्रोविज़न दिया गया है वही ये ऑप्शंस की स्टाइल में आपसे पूछे जा रहे हैं। सो इन शॉर्ट अगर आपको प्रोविज़न याद है तो आपको ये क्वेश्चंस आसानी से याद होंगे और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सबसे पहले क्वेश्चन में जब भी आपको गुड्स या सर्विस दिखे तो आप उसको नोट कर लीजिए कि ये गुड्स की बात कर रहे हैं या सर्विसेज की हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव एंटर्ड सेक्शन नंबर 12। नाउ लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, मतलब रिवर्स चार्ज में हमको देखना है, फॉरवर्ड चार्ज में हमको नहीं देखना है। ओके, सो हमें समझ में आ गया, सेक्शन 12 में हम ध्यान देंगे रिवर्स चार्ज के अंदर, फॉरवर्ड चार्ज में हम ध्यान नहीं देंगे। फॉरवर्ड चार्ज गुड्स के केस में नॉर्मल होता था, आई और आर विच एवर इज अर्लियर, हम वो लेते थे, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज की। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं आई और आर क्या यहाँ पर भी होगा, बट रिवर्स चार्ज है तो रिवर्स चार्ज का मैंने आपको बताया था कि रिवर्स चार्ज में कभी भी सेक्शन 31 नहीं चलता है। रिवर्स चार्ज में सेक्शन 31 की डेट को काम में आती नहीं है, आप डायरेक्टली इनवॉइस की डेट में प्लस डेज ऐड करते हैं, या तो 31 डेज या 61 डेज। अगर गुड्स हो तो 31 डेज ऐड करते हैं और सर्विसेज हो तो 61 डेज ऐड करते हैं। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पर पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, देन वी विल इवेल्यूएट आर आंसर। सो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, मतलब कि जब हमको गुड्स मिले, मतलब कि एक्चुअल डेट है ये, जब माल आपको मिला। ओके, या तो ये डेट, डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड, ओहो मतलब आर, पेमेंट को हम आर लिखते हैं, डेट आफ्टर 30 डेज ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। इनका कहना है कि आई प्लस 31 हो रहा है, तो या तो आप आफ्टर 30 डेज बोलिए या फिर प्लस 31 कर दीजिए, एक ही बात है, उनसे आंसर एक ही आएगा, बोलने के अलग अलग तरीके हैं। और फोर्थ ऑप्शन है डी, अर्लीस्ट ऑफ ऑल, मतलब कि ए बी और सी, इन तीनों में जो अर्लीस्ट है वो आपका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर डी है। ओके, सो इनका कहना है कि हमें रिवर्स चार्ज पता करना है, गुड्स के लिए क्या होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई। सो टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, पहले तो आप ये याद कर लीजिए, दो तरीके से होता है, एक तो गुड्स में होगा, एक सर्विसेज के अंदर होगा। हमें चाहिए गुड्स का रिवर्स चार्ज, ओके, प्लस 31 और प्लस 61 तो हमको पता है, ये तो हम करते ही हैं, तो यहाँ पर प्लस 31 वाला ऑप्शन तो है, दिया हुआ है। ओके, नाउ इन दोनों से हमें डिसाइड करना है, या फिर इसमें से तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। सो आई और आर को तो हम कंपेयर करते ही है ना, मतलब कि हमें यहाँ पर मिला हुआ है आई की डेट। ओके, तो आर तो हमें चाहिए ही रहेगा,
मतलब दोनों ऑप्शन से हो सकते हैं, आर और आई, ये दोनों तो चाहिए, मतलब अर्लीस्ट ऑफ टू तो हमें चाहिए। और रिसीप्ट ऑफ गुड्स का एक्चुअल डेट हम क्यों लेंगे? सर यहाँ पर हम रिवर्स चार्ज में हैं, मतलब हम रिसिपिएंट की तरफ से ज़्यादा सोचते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा रिसिपिएंट की तरफ से रहता है, रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिसिपिएंट का बैंक अकाउंट में डेबिट एंट्री, डेबिट क्यों, क्योंकि वो पेमेंट करता है। तो सर एक्चुअल डेट एकदम लॉजिकल बात है, क्योंकि उसने पेमेंट किया है वो डेट ले रहे हैं, उसको इनवॉइस मिला वो डेट ले रहे हैं, तो हमें ये भी तो कंसिडर करना चाहिए कि उसको असली में माल कब मिला, गुड्स उसने एक्चुअली में कब रिसीव करे। तो सर मुझे लग रहा है डी अर्लीस्ट ऑफ ऑल इज द आंसर, यस इट इज आर आंसर। सो ये हमने देखा है पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर टू में कि रिवर्स चार्ज गुड्स के साथ में क्या होगा। सबसे पहले गुड्स मिले तब, उनका पेमेंट जब हुआ तब, या फिर इनवॉइस के 30 दिन बाद की डेट तब, उन सब का अर्लीस्ट ऑफ ऑल हमारा आंसर है। ये हमने देखे हैं दो MCQs, लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड MCQ। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपसे प्रोविजन पूछे जा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। सो मार्क माई वर्ड्स, इफ गुड्स और सर्विस, सबसे पहले उसको मैंशन कर लो, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज उसको मैंशन कर लो, देन डीप डाउन गो डाइव इन टू द सेक्शन, आपको वो आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। So what is the time of supply? TOS हमें ढूंढना है। टाइम ऑफ सप्लाई किसका देखना है हमें? हमें देखना है ऑफ सर्विस, ठीक है, ओके। सर्विस मतलब सेक्शन नंबर 13 में हम एंटर कर चुके हैं। इफ द इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 days, ओके, मतलब इनवॉइस को 30 days के अंदर इश्यू कर दिया है, किसके 30 days? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ओके, प्रोविजन ऑफ सर्विस यानी कि जिसे हम कहते हैं सप्लाई का जो डेट है, उस डेट के 30 days के अंदर अंदर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है, तब TOS क्या होगा। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन इतना टफ लगा कि इसका इंटरप्रिटेशन उनको समझ में नहीं आया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देवर कन्फ्यूज कि इसमें कौन सा सेक्शन पूछ रहे हैं, कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई इसमें हम देखेंगे, बट फिकर नॉट, हम इसमें देखते हैं धीरे धीरे इसको हम आंसर तक कैसे पहुँचेंगे, लेट्स सी। सो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए टोटल 3 सेक्शंस हैं हमारे पास में, सेक्शन नंबर 12 है, सेक्शन नंबर 13 है और सेक्शन नंबर 31 भी है। ये है गुड्स, ये है सर्विस और ये है टैक्स इनवॉइस की लास्ट डेट के लिए। इन दोनों में फॉरवर्ड चार्ज होता है और रिवर्स चार्ज भी होता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे समझें, सेक्शन 31 का पूरा जो यूज़ है वो फॉरवर्ड चार्ज में है और रिवर्स चार्ज में नहीं है, ये हमको पता है। मींस फॉरवर्ड चार्ज का जब भी टाइम ऑफ सप्लाई आता है तो इनवॉइस के लिए हम एक्चुअल डेट के साथ में सेक्शन 31 की डेट भी पकड़ते हैं, बट जब रिवर्स चार्ज की बात आती है तो यहाँ पर हम सेक्शन 31 की डेट्स नहीं पकड़ते हैं, बल्कि हम उनमें कुछ डेज ऐड कर देते हैं इनवॉइस के साथ में। यस वी नो दिस, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा +31 +61। नाउ +31 +61 किस डेट के साथ में हो रहा है? ये होता है इनवॉइस के डेट के साथ में, मतलब कि इनवॉइस जब इशू किया हो उसके 31 days और इनवॉइस जब इशू किया हो उसके 61 days, तब जाके हमारी डेट आती है इनवॉइस की, जिसको हम यूज़ करते हैं अर्लीस्ट ऑफ ऑल में इन दोनों केसेस में ऑफ रिवर्स चार्ज। बट अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 days फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब कि यहाँ पर हमें +30 करना है, बट वो हमें एस के साथ में करना है, मतलब कि जब सप्लाई हुआ है उसके साथ में। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ केस ऑफ 12 and 13, आपसे सेक्शन नंबर 13 नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे सर्विसेज के साथ में, क्योंकि अगर यहाँ पर इनवॉइस +30 होता तो हम सोचते कि सेक्शन नंबर 13 की बात चल रही है, बट यहाँ पर प्रोविजन ऑफ सर्विस के 30 डेज के अंदर हमें इनवॉइस इशू करना है, तो दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ सेक्शन 31, बिकॉज सेक्शन 31 ये बोलता है कि लास्ट डेट इन द केस ऑफ सर्विसेज क्या होनी चाहिए और गुड्स क्या होना चाहिए। सो सेक्शन 31 के हिसाब से हम S+30 यानी कि सप्लाई जब किया, प्रोविजन ऑफ सर्विस किया, उसके 30 दिन में अगर इनवॉइस इशू कर दिया, मतलब कि इनवॉइस हैज़ बिन इशूड एस पर सेक्शन 31, अब आप सेक्शन 13 में जंप करके वापस आइए।
अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि 13 का हमारा केस नहीं है, हमें 31 पर जाना है, 31 पर जाना है, ये हमको कैसे समझ में आया कि दैट इज़ अ केस ऑफ एस प्लस 30 एंड नॉट आई प्लस 30 और आई प्लस 61। अगर सर्विसेज में डायरेक्टली हमको जंप करना होता सो दैट शुड हैव बिन रिवर्स चार्ज के अंदर आई प्लस 61। सो क्लियरली आई प्लस 61 यहाँ पर नहीं है, मीन्स सर्विसेज के अंदर रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज है। तो यहाँ पर कौन सा वाला केस है, यहाँ तो क्वेश्चन कुछ दिया ही नहीं है कि रिवर्स चार्ज है कि फॉरवर्ड चार्ज है, तो हमको खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा। ओके, सो अगर आई प्लस 61 इनमें से कुछ ऑप्शंस में होता या क्वेश्चन में दिया होता, सो दैट वुड हैव बीन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज विच इज़ नॉट हेयर। सो फॉरवर्ड चार्ज अगर आप सर्विस में याद करेंगे, सो हम क्वेश्चन ये उठाते हैं कि 31 के हिसाब से इनवॉइस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर सप्लाई के 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस हमने इशू कर दिया तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। मतलब वो इनडायरेक्टली आपको ये कह रहा है कि मुझे फॉरवर्ड चार्ज चाहिए सर्विसेज के केस के अंदर जहां पर सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू किया गया है। मींस एस प्लस 30 में इनवॉइस को इशू कर दिया सेक्शन नंबर 13 के अंदर, सो इट्स अ केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज एंड पॉजिटिव आंसर। तो वहां पर टीओएस क्या होगा, सो इट्स सिंपल, हमने देखा था। सो इफ सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू किया है और नहीं किया है, अगर किया है सो दैट इज़ यूजुअल इनवॉइस प्लस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर नहीं किया है सो दैट इज़ सप्लाई ऑफ सर्विस और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर, एस और आर। सो हमारा आंसर यही होना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं इनमें से कुछ फिट बैठ रहा है क्या। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ओके दिस इज आई। डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव पेमेंट, ओके दिस इज आर। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, दिस इज एस। एंड अर्लियर ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का जो अर्लियर होगा वो। अब देखिए, प्रोविजन ऑफ सर्विस इज एस, आपको एस भी यूज करना हो सकता है, बट क्या सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू किया गया है, यस। ये वाला सिचुएशन कौन सी है, हम सप्लाई और सर्विस कब यूज़ करते हैं, जब सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू नहीं किया हो, तो क्या यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, हमको नहीं है। सो हमारा आंसर हो जाएगा अर्लियर ऑफ ए एंड बी, यही चाहिए हमको, आई और आर का विच एवर इज अर्लियर, सो डी विल बी आर आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ कर एकदम रूट में जाके समझना होगा कि ये आखिरकार आ कहाँ से रहा है। और जिन लोगों को इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है, प्लीज़ रिफर टू माई समरी वीडियो ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। सो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने 3 से 4 टेबल्स के अंदर वहाँ पर उनको समराइज कर दिया है, और हार्डली 3 शीट्स में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जिन लोगों ने देखा होगा उनको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, आई नो। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ गो बैक, वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक हियर। सो गाइज, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। अब दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो 3rd क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। क्यों, अभी जस्ट हमने देखा है कि सेक्शन 31 के हिसाब से अगर इनवॉइस इशू कर दिया होगा तो वहां पर आई और आर विच इज अर्लियर होता है, बट अगर सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस नहीं आया है तो फिर सिचुएशन दूसरी होती है, वहां पर एस और आर विच इज अर्लियर हम रहते हैं। एस इज आर प्रोविजन ऑफ सर्विस, और हम उसको बोल सकते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, जब हमने वो सप्लाई करा है उस चीज का, वो वाला डेट। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है वो क्वेश्चन 3 का उल्टा है। अब आप समझ गए होंगे, हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, अगेन सर्विस की बात चल रही है, इफ द इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस विच इज एस। सो इनका कहना है हम है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, वो भी है सर्विस के अंदर, मतलब कि सेक्शन नंबर 13। इसमें दो चीज़ें हैं, सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से और उसके हिसाब से इनवॉइस नहीं बना है। सो इन दोनों केस में अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई होता है, यहाँ पर होता है आई और आर विच इज अर्लियर, और यहाँ पर होता है एस और आर विच इज अर्लियर। अगर हमसे पूछा है 30 डेज में नहीं इशू किया है, तो हम ऑब्वियसली ये वाली सिचुएशन को लेके चलेंगे, तो हम प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच इज अर्लियर हमारा आंसर हो जाएगा। इनवॉइस की डेट, पेमेंट की डेट, सप्लाई की डेट, अर्लियर ऑफ बी एंड सी, आर और एस विच इज अर्लियर, यस यही चाहिए हमको, आंसर इज डी।
इट वॉज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, उसका उल्टा था, इसलिए ये हमारा प्रोविजन पूरा कवर हो गया है यहाँ पर, दैट्स वाई ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया था. सो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्या होगा. इस वाले सिनेरियो में क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा हटके है, 3 और 4 एक ही प्रोविजन के बारे में बात कर रहा था, सेक्शन 31 के हिसाब से होगा कि नहीं होगा, वो भी सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज ही था. सबसे पहले हमने फॉरवर्ड चार्ज गुड्स का लिया, हमने एक केस रिवर्स चार्ज का भी लिया. इस तरीके से सभी क्वेश्चंस हम वैरायटी यहां पर कवर कर रहे हैं. लेट्स सी आवर नेक्स्ट एमसीक्यू. अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इज टॉकिंग अबाउट, अभी भी हम सर्विसेज के अंदर ही है, बट सर्विसेज के अंदर हम थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं, मतलब कि हम फॉरवर्ड चार्ज से बाहर निकल गए हैं. देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सर्विसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. मतलब इनका कहना है कि एक पर्सन बाहर है हमारी कंपनी का और हम बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर. सो इंडिया के अंदर उस बाहर वाली कंपनी हमको कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रही है, मतलब कि इट इज़ अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और वो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस कोई नॉर्मल नहीं है. बाहर वाला जो पर्सन है वो हमारा एसोसिएटेड एंटरप्राइज है. एसोसिएटेड एंटरप्राइज है मतलब कि वो हमसे कनेक्टेड है, हम दोनों या तो होल्डिंग और सब्सिडरी है, या तो यहाँ पर बात चल रही है कि एसोसिएटेड मींस 15-25% से ऊपर स्टेक्स यहाँ पर होल्ड किए जा रहे हैं दूसरी कंपनी के थ्रू, इसलिए उसको बोला जाता है कि ये एसोसिएटेड है. मींस एसोसिएटेड है बट सब्सिडरी नहीं है, ये कैसे फ़र्क पता चलता है. सो मोर देन 25 और लेस देन 50, तो दोस्तों ये केस है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का. इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी और किसी से नहीं बल्कि ऐसी कंपनी जो बाहर वाली कंपनी आपकी एसोसिएटेड कंपनी है. एसोसिएटेड कंपनी है मतलब एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज में कुछ फ़र्क होता है, जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स में पढ़ा था. सबसे बेसिक मतलब तो आप ये समझ लीजिए कि दो कंपनीज है, उसमें से एक कंपनी दूसरे कंपनी को होल्ड करती हो तो वो दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाते हैं, जिनको जीएसटी में हम जिस लैंग्वेज में बोलते हैं. बट अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में 25% से ज्यादा और 50% से कम होल्ड कर रही है तो उसे हम एसोसिएट कंपनी बोलते हैं, एफिलिएट बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, और अगर 50% से ज्यादा करती है तो हम उसे सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं, मतलब मेजॉरिटी होल्ड किया जा रहा है, और अगर 100% होगा तो फिर हम उसे होली ओन्ड सब्सिडरी कहते हैं. सो इंडिया वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी है, वो बाहर वाली कंपनी उसकी एसोसिएटेड कंपनी है, उस एसोसिएटेड कंपनी से कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करना, मतलब कि भारत में मंगवाना और उनको यूज करना. अब इस वाले केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है. सबसे पहले आपको तो ये क्लिक होना चाहिए कि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला जो क्वेश्चन है ये किस केस में जाता है, ये रिवर्स चार्ज में जाता है कि फॉरवर्ड चार्ज में जाता है. सो एक बात तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि इट्स ऑब्वियस केस ऑफ रिवर्स चार्ज. वाई? बिकॉज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, उसमें जो पर्सन इम्पोर्ट कर रहा है, मतलब कि इम्पोर्टर जो है जो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, जो इंडियन है, वो टैक्स भरता है गवर्नमेंट को, ये बात तो हमें पता है. इम्पोर्ट के ऊपर IGST लगता है और कस्टम ड्यूटी तो लग ही रही है, दोनों एक साथ लगाए जाते हैं अभी तक. सो ये केस इम्पोर्ट का जो है सर्विसेज का, वो रिवर्स चार्ज के अंदर है. सो रिवर्स चार्ज के अंदर हम एक क्वेश्चन उठाते हैं अच्छे से, वो क्वेश्चन क्या होता है कि क्या एसोसिएटेड से मंगवाया है कि नहीं मंगवाया है. अगर एसोसिएटेड मंगवाया है तो हम यहाँ पर जो हमारा TOS रहता है वो सिर्फ पेमेंट के बेसिस पर हम करते हैं, बट अगर एसोसिएटेड से नहीं मंगवाया है तो हम उसे जनरल बेसिस पर करते हैं. और जनरल बेसिस हमारा क्या रहता है, I और R, ये तो हम लेते हैं विच एवर इज अर्लियर. बट यहाँ पर जो I है वो कैसे आता है, दिस कम्स आफ्टर एडिंग 60 डेज, ये हमको मालूम है. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से मंगवाया है, मतलब हमें ध्यान देना है सिर्फ आर के ऊपर, पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर. देखते हैं, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपियंट, ध्यान से रखिए. देखिए एंट्री करी है सर्विसेज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, किसकी बुक्स के अकाउंट में, रिसिपियंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेट लेंगे, डेट ऑफ पेमेंट लेंगे आर, प्लेन आर, डेट ऑफ एंट्री ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स,
अर्लियर ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का अर्लियर लेंगे हम। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक, ये दोनों हम कंपेयर करते हैं आर के लिए, मतलब जब हमने पेमेंट रिसीव किया है। सो आर के लिए दोनों को कंपेयर करना है, बट यहाँ पर कन्फ्यूजन ये खड़ा हो गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिसिपिएंट की लेना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सप्लायर की लेना है। सो यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें लेनी किसकी है, रिसिपिएंट की लेनी है कि सप्लायर की लेनी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में सीख लिया था, अगर वो आपको याद है तो आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। वाई? बिकॉज जब हम फॉरवर्ड चार्ज के अंदर होते हैं, सो फॉरवर्ड चार्ज में हम हमेशा ध्यान रखते हैं सप्लायर का, क्योंकि सप्लायर टैक्स भर रहा है तो हम उसकी बुक्स पे जाते हैं और उसके बैंक अकाउंट को ध्यान में रखते हैं। बट जब रिवर्स चार्ज होता है तो रिवर्स चार्ज के केस में हम हमेशा ध्यान रखते हैं रेसिपिएंट का। मतलब सर, अगर हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज से इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, सो दैट इज़ ए केस ऑफ रिवर्स चार्ज वी नो, एंड रिवर्स चार्ज में भी हमको ध्यान रखना है कि वो रिसिपिएंट की बुक्स के ऊपर ही ध्यान जाना चाहिए हमारा। सो बुक्स ऑफ अकाउंट जो सप्लायर का है, क्या ये काम का है? नहीं। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे रिसिपिएंट की बुक्स की, और जब उसको पेमेंट मिला है मतलब कि उसका बैंक। सो ओनली आर पे ध्यान देना था। आर में दो चीज़ें होती है, उन दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो हमारा आंसर होगा। सो अर्लियर ऑफ ए एंड बी, दिस इज आर आंसर विच इज डी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन को हम इसे डीपली जाके ही समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यू के साथ में। अभी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे, मैं कुछ आपसे एक या दो ट्रू एंड फॉल्स भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। व्हाई? बिकॉज ये कुछ नोटिफिकेशन के साथ में रिलेटेड है, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप टाइम ऑफ सप्लाई में मिस नहीं कर सकते हैं। आपके आईपीसीसी एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सो ट्रू एंड फॉल्स, पहला है एडवांस रिसीव्ड। एडवांस पर ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, सो एडवांस वो भी गुड्स के केस में, इज लेवियबल विथ जीएसटी एज एंड व्हेन रिसीव्ड। मतलब कि जैसे ही हमें एडवांस मिला फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उस टाइम पर उसके ऊपर जीएसटी लग जाना चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है। हमें डिसाइड करना है क्या ये सही कह रहा है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, इनका ऑपरेशन करते हैं। सो एडवांस रिसीव हुआ, ओके, एडवांस हमको मिल रहा है, दोनों चीज़ के लिए मिल सकता है, अगर गुड्स का सप्लाई है तो गुड्स का, सर्विसेज का है तो सर्विसेज का। चलिए, एक नोटिफिकेशन आया है जो गवर्नमेंट ने निकाला है रिसेंटली, और वो आपके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल भी है, जो आपको ध्यान देना है कि अगर गुड्स के केस में कोई भी एडवांस हमको मिलता है, सो उस सिनेरियो में आप जब भी अगर उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालने की कोशिश करेंगे, सो आपको सेक्शन नंबर 12 को तो रेफर करना ही है। तो अगर सेक्शन नंबर 12 को हम देखें गुड्स के केस में, सो इट कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी, ऐसे दो हमको ऑप्शंस दिए जाते हैं सेक्शन नंबर 12 के अंदर। पहला होता है इनवॉइस और दूसरा होता है पेमेंट रिसीव्ड, और बोलता है सेक्शन की विच इज अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इनवॉइस बोलता है एक्चुअल डेट लीजिए, या फिर सेक्शन 31 के हिसाब से डेट लीजिए, और आर बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर बैंक का क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 12 का जो बी पार्ट है वो पेमेंट से रिलेटेड है, और ए पार्ट है वो इनवॉइस से रिलेटेड है। सो दोस्तों, आर के केस में, मतलब पेमेंट रिसीव्ड के केस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बैंक का क्रेडिट, विच इज अर्लियर लेते हैं हम, और आई के केस में मींस इनवॉइस, या तो एक्चुअल लेंगे सेक्शन 31 के हिसाब से लेंगे। तो जब हम बात करते हैं एडवांस रिसीव्ड इन केस ऑफ गुड्स, तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जब भी अगर आपको गुड्स के लिए कुछ एडवांस मिला है, तो आपको सेक्शन नंबर 12 का जो ए पार्ट है, मतलब कि इनवॉइस है, सिर्फ उसके हिसाब से ही आपको टीओएस डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब कि इन शॉर्ट वो ये बोलना चाह रहे हैं कि एडवांस आपको मिला है तो मिला होगा, उसको आप इग्नोर करो, आप तो ये देखो कि एक्चुअल इनवॉइस कब आया है, और सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस की लास्ट डेट क्या है, उसको आप टीओएस बना देना। मतलब कि आप ए पार्ट को फॉलो करो सिर्फ।
मीन्स उनका कहना है कि एडवांस जिस डेट पर मिला है वो टैक्सेबल नहीं होगा जीएसटी को, वो होगा बाद में जब आपको उसका रिलेटेड इनवॉइस या फिर उसका लास्ट डेट टू इश्यू टैक्स इनवॉइस, वो आपका व्हिचएवर्स अर्लियर होगा वो आपका एग्जांपल में फिट बैठेगा। सो यहाँ पर एडवांस रिसीव्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज लेबल्ड विद जीएसटी एज एंड व्हेन रिसीव्ड, नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था, और ये रिसेंटली बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में आपकी मॉड्यूल के अंदर भी है, आया हुआ है, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सो दोस्तों, इस तरीके से पूरे वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चंस देखे एमसीक्यू के फॉर्म में और ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, और ये हमारा था पार्ट वन जिसमें हमने देखा है क्वेश्चंस ऑन टाइम ऑफ सप्लाई। सो ये एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये वाला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिनको हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे यूजिंग आवर प्रोविजंस एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस वीडियो के अंदर ही। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।